एगा गाइस वेलकम ट्वेंटी सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर फोटो इन हायर प्लांट्स आई एम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पायरेशन टॉपिक के बारे में अगेन जैसे हमने सी फोर पाथवे वाले टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे लेक्चर नंबर ट्वेंटी में हम पार्ट वन देखेंगे फोटो का और लेक्चर नंबर ट्वेंटी में हम पार्ट टू देखेंगे फोटो टॉपिक का तो चलो पहले पार्ट वन पढ़ते हैं और ये लेक्चर शुरू करते हैं याद कीजिए जब मैं आपको सिफुर पाथवे पढ़ा रहा था ना तब मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था वो ये कि सीफुर पाथवे के और भी बहुत सारे नाम होते हैं जैसे सी ओ टू कंसनट्रेटिंग मैकेनिज़म कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या या फिर इसे शॉर्ट में डी सी एस साइकिल कहते हैं या कई जगह आपको क्वेश्चन में हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से दिख जाएगा सिफुर पाथवे को ज़्यादातर बहुत ही कॉमन नाम से हम हैच एंड स्लैक पाथवे से जानते हैं ठीक है हैच एंड स्लैक पाथवे ऑल्सो नोन एज है पाथवे हम जब सीफोर पाथवे पढ़ रहे थे तो याद करो एंड में सीफोर पाथवे के एंड में मैंने आपको एक चीज बताया था कि सीफोर प्लांट्स में जब सीफोर पाथवे होता है तो टोटल तीस ए टी पी और बारह एन ए टी पी एस टू लगते हैं बारह ए टी पी तो हम सीफोर साइकिल के समय यूज करते हैं और अट्ठारह ए टी पी सी थ्री साइकिल आर यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ठीक फिर मैंने आपको कहा था कि जो सीफोर प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं कंपेयर टू सी थ्री प्लांट क्योंकि सीफोर प्लांट में स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी देखने को मिलती है जो कि है क्रेंज एनाटोमी जो सीफोर प्लांट को ज़्यादा स्पेशल और एडवांस्ड बनाती है कंपेयर टू सी थ्री प्लांट्स फिर मैंने कहा था सीफोर प्लांट्स टॉलरेट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रह लेते हैं क्योंकि इनके पास एक एंजाइम है पी पी डी के एन्ज़ाइम जो कि हाई टेम्परेचर में सीफोर प्लांट को टॉलरेट करने में मदद करता है हाई टेम्परेचर लेकिन ये फंक्शन नहीं कर सकते एट लो टेम्परेचर पी पी के एनजाइम लो टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं कर सकते इसीलिए सी फॉर प्लांट आप देखोगे ज़्यादातर समय हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे रहते हैं और हाई टेम्परेचर में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस पी पी के एन्जाइम ठीक है विच कैन नॉट फंक्शन एट लो टेम्परेचर और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने तब आपको बोला था कि सी फोर प्लांट जो है द शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी इनके पास एक प्रोसेस नहीं होता जिसे हम कहते फोटो रेस्पायरेशन याद करो फोटो रेस्पायरेशन मैंने कहा था एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जैसे देखिए एक दो प्लांट है C3 प्लांट और C4 प्लांट ठीक है मैंने कहा था कि जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है C3 प्लांट में तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं और C3 प्लांट में जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है तो एक प्रोसेस हो जाता है फोटो रेस्पायरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिससे जो प्रोडक्टिविटी होती है फोटोसिंथेसिस की वो कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी और बायोमास कम हो जाती है क्योंकि फोटो रेस्परेशन एक गंदा प्रोसेस है एक वेस्टफुल प्रोसेस है वेस्ट कराता है प्लांट में जब भी होता है तो तो C3 प्लांट जो होते हैं ना वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी के तरफ और उनमें फोटो रेस्परेशन हो जाता है जब हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट गिरती है सीथरी प्लांट में लेकिन जब सीफोर प्लांट में गिरती है हाई इंटेंसिटी की लाइट तो सीफोर प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है और उनके अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता ही नहीं है दे लैक प्रोसेस फोटो इसी कारण से सो प्रोडक्ट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास तो उनके पास अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी होता है अच्छा खासा फूड का फॉर्मेशन होता है ठीक है क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता सी फोर प्लांट में जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है सी थ्री प्लांट में जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है ना वो फटाक से उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है और उनका जो बायोमास से प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास वो लो हो जाता है लोअर हो जाता है ठीक है तो ज़्यादा फूड फॉर्मेशन नहीं होता तो कौन सा प्लांट अच्छा है सीफोर प्लांट अच्छा है हाई लाइट इंटेंसिटी जब गिरी सीफोर प्लांट में तो उसने रिस्पॉन्स शो किया और फोटो रेस्परेशन नहीं हुआ जिसके कारण से उनका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास था वो ज़्यादा था ग्लूकोज ज़्यादा था ठीक है लेकिन जो सीथरी प्लांट था उस पर जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरी तो वो कोई रिस्पॉन्स शो ही नहीं किया उसमें ये प्रोसेस फोटो रिस्पिरेशन हो गया जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है और उससे उनका बायोमास घट गया प्रोडक्टिविटी और बायोमास सी थ्री प्लांट में यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन जो था प्रोडक्शन जो था वो घट गया ठीक तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है और ये सीफोर प्लांट में नहीं होता इन सी फोर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर ठीक है ये सब तो हम देखेंगे बट अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि फ़ोटो रेस्पिरेशन इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस हमें बताओ अच्छे से हमें इसके बारे में और बताओ तो चलो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं इस लेक्चर में तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो अब हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखिए आपको एक एंजाइम के बारे में पता होगा जिसे कहते हैं रूबिस्को नाम तो सुना ही होगा रुबिस्को रेस रेबोलोस बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस पूरा नाम है यही वो एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटो के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन तो बोलना रुबिस्को याद कीजिए रुबिस्को का क्या था रुबिस्को का मैं एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताया था कि रुबिस्को जो है वो सीओ टू के साथ भी बाइंड कर सकता है और इस सीओ टू के साथ बाइंड करने वाली प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं रूबिस्को का कार्बोक्सिलेस प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है रा बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस तो ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है O2 के साथ भी बाइंड कर सकता है लेकिन एक टाइम पे किसी एक के साथ ही बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है जब वो कार्बन डाइऑक्सा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलेस ठीक है कार्बोक्सीन कर रहा है और जब ये ओटू के साथ बाइंड करेगा तो इसके इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसे कहते हैं ये ऑक्सीजनेस एंजाइम की तरह काम कर रहा है ठीक है ऑक्सीजनेशन कर रहा है ओटू के साथ बाइंड कर रहा है कार्बोक्सीस कब बोलेंगे जब सीओ टू और ओटू के साथ तो ऑक्सीजनेस अब दोनों में से किसी एक के साथ एट अ वन टाइम ये बाइंड कर सकता है इसीलिए रूबिस को नाम दिया है राइबुलोस बिस्पोस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस ठीक अब देखिए अब सी टू का कंसेंट्रेशन अगर एक सेल में ज़्यादा है एक सेल है उसमें अगर सी टू का लेवल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी टू का लेवल ज़्यादा है तो रोबिस्को जो है सी टू के साथ ही बाइंड करेगा क्योंकि ये तो किसी एक के साथ बाइंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कब करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल में ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन कर रहा है कार्बोक्सीस प्रॉपर्टी है इसका रोबिस्को का और जब ओ टू का लेवल हाई होगा किसी सेल में ऑक्सीजन का लेवल अगर किसी सेल में ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा रुबिस्को है ये जाके ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी शो कर रहा है ठीक है ऑक्सीजनेशन कर रहा है अब ये जो रुबिस्को है ना जब ओटो से बाइंड करता है जब ओटो का लेवल सेल में ज़्यादा हो जाता है और ओटो से बाइंड करता है तो अभी ये प्रोसेस फोटो रेस्परेशन जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है इसकी शुरुआत होती है कब देखो सेल में हमारा रुबिस्को है रुबिस्को एंजाइम अब उस सेल में अगर ओटो का लेवल हाई हो जाता है तो भैया रूबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा ओटू के साथ क्योंकि ये किसी एक टाइम पे एक ही के साथ बाइंड कर सकता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन तो अगर सेल में जब ओटो का लेवल हाई हो जाता है तो रुबिसको किसके साथ बाइंड करता है ओटो के साथ और जैसे ही ओटो के साथ रूबिस्को बाइंड हुआ तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है शुरुआत होती है ठीक तो कब कैसे शुरुआत होती है जब ओटू जाके रूबिस्को के साथ बाइंड करता है जब सेल में ओटो का लेवल हाई हो जाता है ओके okay? अब मान लो एक सेल में दोनों का लेवल एक ही है सीओ टू का और ओ टू का हो सकता है ना एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि एक सेल है उसमें सी ओ टू और सी ओ टू का लेवल अगर सेल में ज्यादा है तो सीओ टू के साथ बाइंड कर लिया ओ टू का लेवल अगर ज्यादा है तो रूबिस को ओ टू के साथ बाइंड कर लिया मगर मान लो किसी सेल में सीओ टू और ओ टू लेवल दोनों का लेवल बराबर है इक्वल है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना तब सर रूबिस को किसके साथ बाइंड करेगा तो आप कहोगे यूजअली रूबिस्को हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर सी ओ टू देन ओ टू जो यूजअली जो रूबिस्को होता है ना उसका जो एक्टिव साइड होता है रूबिस्को एंजाइम है ना उसका जो एक्टिव साइड है उसका उसका एक्टिव साइड जो होता है वो सीओ टू के प्रति ज्यादा एफिनिटी होता है ग्रेटर एफिनिटी होता है रूबिस्को क्या रूबिस्को एंजाइम का एक्टिव साइड का उस एक्टिव साइड वहीं पर जाके बाइंड करता है हमारा सी ओ टू या ओ टू तो यूजअली देखा जाए ना तो जो हमारा होता है ना उसका जो एक्टिव साइड होता है इट हैज मच ग्रेटर एफिनिटी ज्यादा ग्रेटर ज्यादा चिपकता है किससे CO2 टू से ज्यादा अट्रैक्ट किसके साथ करता है किसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा शो करता है CO2, CO2 टू टू के साथ बहुत ज्यादा उछलेगा कूदेगा ठीक है CO2 टू के प्रति ज्यादा एफिनिटी है अगर दोनों का लेवल सेम है ठीक है सीओ टू ओ टू का तो so यूजुअली जो रूबिस्को है वो जाके सीओ टू से ही बाइंड करता है, हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर सीओ टू इसलिए देखो रूबिस्को नाम में सबसे पहले सी आया है क्योंकि यूजुअली इन जनरल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा एफिनिटी होता है नहीं तो नाम क्या होता है रूबिस ऑक रूबिस ऑक वो पहले आता है बट आप देखो ना नाम में जनरली सी पहले आता है रूबिस्को क्योंकि यूजुअली अगर सी ओ टू ओ टू का लेवल दोनों का सेम है तो रुबिस्को का जो एक्टिव साइड होता है उसका मच ग्रेटर एफिनिटी होता है और सीओ टू इसीलिए पहले सी आया लेकिन अगर सेल में ओटू का लेवल ज्यादा है ना तो ओटो के साथ ही बाइंड हो रूबिस्को जो है वो ओटो को बाइंड करेगा ओटो के साथ बाइंड होगा अगर सेल में ओटो का लेवल ज्यादा है तो रुबिस्को जो है वो ओटो के साथ बाइंड करेगा ठीक है ओटो जाके रुबिस्को के साथ बाइंड करने वाला है अगर सेल में ऑटो का लेवल ज्यादा है और जब ऐसा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत होगी ठीक देखो कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन कंडीशन क्या है का कि हाँ मैंने तो कह दिया कि ऑटो का लेवल हाई हुआ तो रुबिस्को के साथ जाके ऑटो ने बाइंड किया यानी कि रुबिस्को जाके ऑटो से चिपका जब ऑटो का लेवल हाई हुआ तो ऐसा क्या कब समय आता है कि ऑटो का लेवल सेल में ज्यादा हो जाता है तो वही कंडीशन हम देखने वाले हैं कि कंडीशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन देखो हमारा प्लांट है ठीक है प्लांट है एट हाई इंटेंसिटी लाइट एट हाई लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा इंटेंसिटी आती है जब ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी आती है बहुत ज्यादा लाइट तो क्या होता है एच टू ओ ब्रेक डाउन इन प्लांट इज हाई आपको पता है ज्यादा लाइट गिरता है तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ज्यादा वाटर का ब्रेकडाउन होता है ज्यादा वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है देअ फॉर हाई अमाउंट ऑफ ओ टू इज प्रोड्यूस्ड लाइट गिरा लाइट गिरता है लाइट गिरता है क्लोरोफिल पे तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमारा एच टू ओ का ब्रेकडाउन होता है ठीक है सेल में और क्या होता है एच टू ओ का ब्रेकडाउन uh, होता है तो ओ टू एच टू ओ ब्रेकडाउन करेगा किस में करेगा ऑक्सीजन में ओ टू में ओ टू में प्रोटोन इलेक्ट्रॉन राइट तो इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरोफिल के क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसका बैलेंसिंग कर देता है ठीक है इसीलिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि जब लाइट गिरता है ना तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एनर्जी लेवल हाई हो जाता है क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन करेगा वाटर एच टू का ब्रेकडाउन होगा अब एच टू का ब्रेकडाउन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्रोटॉन में टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा कर देता है के और ऑक्सीजन जमा हो जाता है सेल में ओटूर हाई अमाउंट ऑफ ओटू इज प्रोड्यूस्ड ओटू लेवल इन क्लोरोप्लास्ट विल बी हाई अब सेल में ये सब चीज कहां हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है राइट right? क्लोरोप्लास्ट तो ओटू लेवल इन सेल इज हाई यानी कि ओटू लेवल इन क्लोरोप्लास्ट विल बी हाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और क्लोरोफिल पे जब लाइट गिरेगा उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होगा वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो ओटो का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में तो ओटू लेवल इन क्लोरोप्लास्ट विल बी हाई ओटू लेवल इन क्लोरोप्लास्ट अगर हाई है तो रुबिस्को के साथ कौन बाइंड करने वाला है ओटू बाइंड करने वाला है तो रुबिसको का ओटो के साथ क्या हो जाता है दोस्ती हो जाता है प्यार हो जाता है बाइंडिंग हो जाता है तो फिर फोटो रिस्पिरेशन जैसे भयानक प्रोसेस का शुरुआत होता है इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस ठीक समझे अब चलो आगे बढ़ते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा नहीं यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है रूबिस बाइंड्स बाइंड विद ओ अभी तो हम लोग अगले स्लाइड पे चले जाते हैं अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन जैसे मैंने बोला ना सिफुर पाथवे के बहुत नाम होते हैं हैक एंड स्लैक पाथवे जिनमें से बड़ा कॉमन नाम है फोटो सीफोर पाथवे के लिए ऐसे फोटो रेस्पिरेशन का भी बहुत नाम होता है एक तो फोटो रेस्पिरेशन होता है ठीक है ऊपर से फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन पीसीओ साइकिल भी कहते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन को सी टू साइकिल भी कहते हैं और ग्लाइकोलेट मैकेजम ग्लाइकोलेट मेटाबोलिज्म नाम से भी फोटो रेस्पिरेशन को जाना जाता है तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फोटो रेस्पिरेशन के और भी नाम तो आप कहोगे पीसीओ साइकिल साइकिल और ग्लाइकोलेट ठीक अब देखिए दिस प्रोसेस क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंड सीफोर प्लांट सी थ्री एंड सी प्लांट के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये प्रोसेस राइट right? क्योंकि हमने कहा हाईलाइट इंटेंसिटी पे सी थ्री प्लांट फोटो रेस्परेशन करेगा और सीफोर प्लांट नहीं करेगा ठीक है और सी थ्री प्लांट में फोटो रेस्परेशन होगा सीफोर प्लांट में नहीं होगा और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है सीथरी प्लांट में हो रहा है तो कम एडवांस्ड होगा सीफोर प्लांट में देखो नहीं हो रहा हो, ये वेस्टफुल प्रोसेस तो सीफोर प्लांट को हम ज्यादा एडवांस बोलते हैं तो इस तरीके का डिफरेंस क्रिएट करता है राइट फोटो रेस्पिरेशन कंडीशन फेवर फोटो रेस्पिरेशन कब होगा जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी अभी मैंने आपको दिखाया हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही थी वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था तो ओटू का लेवल बढ़ रहा था ओटू का लेवल बढ़ रहा था तो जाके विस्को के साथ ओटू क्या कर रहा था बाइंड कर रहा था तो अब ओटू जब रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा तब जाके ये फोटो रेस्परेशन शुरू होगा तो कंडीशन क्या है फोटो रेस्परेशन के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी और साथ ही साथ एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि रुबिस्को जो होता है उसका नेचर चेंज हो जाता है जब हाई टेम्परेचर पे कोई प्लांट है ना हाई टेम्परेचर पे ठीक है सीथरी प्लांट मान लो सीथरी प्लांट में ही तो हो रहा है ना फोटो रेस्परेशन तो जब हाई टेम्परेचर पे प्लांट है तो उसमें क्या होता है उसका जो रुबिस्को होता है एट हाई टेम्परेचर उसका नेचर चेंज हो जाता है तो क्या करता है हमारा रुबिस्को ये जाके ओटू के साथ बाइंड करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर है जितना प्लांट को चाहिए तो प्लांट तो मस्त है मस्त जी रहा है अपना फोटोसेंसिस चल रहा है लाइट रिएक्शन चल रहा है डार्क रिएक्शन के समय कैल्विन साइकिल चल रहा है प्लांट मस्त अपना खाना वाना बना रहा है लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ गया हाई टेम्परेचर तो हमारा जो रुबिस्को है ना अब इसके साथ सी ओ टू जाके नहीं जुड़ेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो रोबिस्को के साथ जाके सी ओ टू जुड़ेगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर ओटू जुड़ेगा और ओटू जाके जुड़ गया तो फोटो रेस्परेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है ठीक है ओटू जाके रुबिस्को के साथ जुड़ गया क्यों क्योंकि जो हमारा रुबिस्को है ना उसका नेचर चेंज हो जाता है और उसका वो ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाता है एट हाई टेम्परेचर ओटू को और ऑटो के साथ ज्वाइन कर जाके जुड़ जाता है ठीक चलो नेक्स्ट देखो इन द फोटो रेस्पिरेट्री पाथवे देर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू जब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है तो हम इसे वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसके दौरान ना ही शुगर बनेगा प्लांट में ग्लूकोज बनेगा नॉर ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू ना ही ए टी पी और एन ए डी पी एच टू बनता है कुछ नहीं बनता है उल्टा ए टी पी को और इस्तेमाल कर लेते हैं एनर्जी बनाने के जगह फोटो रेस्पिरेशन और एनर्जी को यूज कर लेते हैं शुगर बनाने के जगह शुगर बनता ही नहीं बनेगा ही नहीं ठीक है बनाना था शुगर ना शुगर नहीं बनता ए टीपी पी एच टू भी नहीं बनता उल्टा और ए को ये प्रोसेस यूज कर लेता उल्टा और ए खा लेता है गंदा प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस ठीक है अपने मन से दो चार गाली दे दो <laughs> तो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ए एंड एनएटी ठीक है तभी तो हम वेस्टफुल प्रोसेस बोल रहे हैं अभी ये प्रोसेस हम पूरा देखेंगे किस तरीके से हो रहा है ठीक है पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हो रहा है फिर हम देखेंगे कि C3 में प्लांट में क्यों हो रहा है C4 प्लांट में क्यों नहीं हो रहा सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे बढ़ो रे भाई आप दो पार्ट है पार्ट वन है पार्ट टू है कहानी है सुनते रहो कहानी के एंड में डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना कहानी के बीच में ना ही अपना दिमाग खराब करना और ना ही दूसरों का होने में होने देना ठीक है तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों देखोगे और फिर कोई डाउट आया ना तब पूछना ऐसा अभी पूछ लोगे तो कौन सा बता दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर है कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो बता दूंगा लेकिन दोनों पार्ट देखना ठीक है दोनों पार्ट देखने के बाद फिर डाउट आए तो पूछना ठीक ये तो मजा है रिकॉर्डिंग का लाइव में तो फटफट -फट सब पूछने लग जाते दिमाग खराब कर देते हैं क्योंकि लाइफ में यार तुम लोगों के अंदर ना वो सबर नहीं होता पेशेंस नाम का चीज पेशेंस होना चाहिए ना पेशेंस रहेगा लास्ट तक सुनोगे कहानी समझ में आएगी तो चलो कहानी सुनते हैं तो मैंने क्या कहा इन द पाथवे इज दिटरी नॉर ऑफ एटीपी एंड एन ठीक वेस्टफुल प्रोसेस है इसीलिए हमने इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहा रादर इट इन द रिलीज ऑफ सीओ टू अरे भैया देखो शुगर बनाने की जगह उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और एटीपी को भी यूटिलाइज कर ले रहा है द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट अब ये इस पॉइंट को देखिए एक जीव है अनंत काल से अन मतलब बहुत पहले से धीरे-धीरे उसके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है एवोल्यूशन हो, हो रहा है हो रहा है हो रहा है और वो जीव और अच्छा बन रहा है हम लोग पहले क्या मंकी थे चिंपैंजी टाइप ठीक है जो कहा जाता है फिर धीरे धीरे हमारे अंदर क्या एवोल्यूशन हुआ और हमारा बुद्धि बढ़ा ब्रेन पावर बढ़ा सब कुछ बढ़ा मोर्फोलॉजी बढ़ा एनोटोमी में चेंज आया हम बहुत ही अच्छे हो गए सारा जानवर जो एवोल्यूशन में क्या होता है सोचता है कि चलो और अच्छा होगा अच्छा बनेगा ठीक है प्लांट में ना समझ में ही नहीं आ रहा प्लांट भी जो था उसको भी तो अब अच्छा बनना चाहिए था ना धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था प्लांट भी अच्छे अच्छे प्रोसेस को अपने साथ रखता गंदे गंदे प्रोसेस को निकाल देता अब साइंटिस्ट को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ना ये तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है और इतना एवोल्यूशन हुआ है प्लांट में बट स्टिल प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसका फंक्शन क्या है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है क्यों हो रहा है ये एक तो ये नुकसान कर दे रहा है वेस्टफुल प्रोसेस है कुछ फ़ायदा इसका क्या है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ये होने से क्या हो रहा है प्लांट में कुछ पता ही नहीं साइंटिस्ट लोग को समझे तो किसी दिन अगर समय मिले ठीक है और तुम्हारे पास अगर कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट हो कोई अच्छे साइंटिस्ट का तो फ़ोन करना और उसका दिमाग चाटना की बता दो तो भाई, भाई, भाई फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है साइंटिस्ट घर में आ जाएगा ठीक है तो इसीलिए इसका ना बायोलॉजिकल फंक्शन अनून है हो रहा है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है अभी तक पता नहीं वेस्टफुल प्रोसेस है ठीक है तो सीओ टू का रिलीज कर देता है देखो बनाना चाहिए था खाना ग्लूकोज बनाना चाहिए था लेकिन ग्लूकोज नहीं बनाया शुगर नहीं बनाया ना ही ए टीपी बनाया नहीं एन ए बनाया बना क्या दिया भाई साहब सी बना दिया ये प्रोसेस और यूटिलाइज कर लिया ए ठीक है तो ये सब कैसे हो रहा है पूरा फोटो रेस्पिरेशन कैसे सी टू बन रहा है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कैसे ओ टू जाकर रूबिस्को के साथ बाइंड हो रहा है सारी चीजें हम अगले स्लाइड में जानेंगे पूरा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखेंगे तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब चलिए बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो जो फैक्ट्स है मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिखता रहूंगा आप देखते रहना फोटो रेस्पिरेशन तो पहले आप ये देखिए इन प्लांट सेल होता है ठीक है द प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व थ्री सेल ऑर्गेनल तीन सेल सेल ऑर्गेनल की रिक्वायरमेंट होती है इन्वॉल्वमेंट होती है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्लोरोप्लास परोक्सिजोम माइटोकॉन्ड्रिया एक तो वेस्टफुल प्रोसेस है तीन ऑर्गेनल ऊपर से इन्वॉल्व हो रहा है इसमें और बायोलॉजिकल फंक्शन साइंटिस्ट को पता ही नहीं है <laughs> समझ रहे हो किस लेवल की नौटंकी चल रही है बायोलॉजी में प्लांट सेल में हो रहा है तीन तीन इन्वॉल्वमेंट है सेल ऑरगेन मतलब तीन सेल ऑर्गेनल का इन्वॉल्वमेंट है इन्वॉल्वमेंट वेस्ट प्रोडक्ट मतलब वेस्टफुल प्रोसेस है वेस्टफुल प्रोसेस ऊपर से बायोलॉजिकल फंक्शन पता ही नहीं है तो चलो इस प्रोसेस को इस महान प्रोसेस को हम थोड़ा जानते हैं कहाँ होता है क्लोरोप्लास में प्रोक्सीजो में माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे आप घबराना नहीं सामने में जो मैंने दिखाया है इसको देख के घबराना नहीं हर एक एक चीज़ समझ में आएगा देखिए O2 का लेवल O2 का लेवल हाई होगा क्लोरोप्लास्ट में ठीक है तब हमारा ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होगा क्योंकि O2 का लेवल हाई होगा तो रोबिस्को के साथ रोबिस्को जाके O2 के साथ बाइंड करेगा और फोटो रेस्पिरेशन शुरू होगा इनिशिएट होगा फोटो रेस्पिरेशन एक डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला प्रोसेस है ठीक है डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला प्रोसेस है याद कीजिए सी थ्री साइकिल जो था हमारा वो भी डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला एक प्रोसेस था अब ये जो फोटो रेस्परेशन एक डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला प्रोसेस है तो इसमें जो ये ओटू है ना ओटू ये ओटो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा याद कीजिए जब मैं डार्क रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था राइबुलोज वन फाइव बिस्फेट जो होते हैं राइबुलोज वन फाइव बिस् फॉस्फेट सी थ्री प्लांट में C3 प्लांट में जब C3 साइकिल चलता है तो राइबुलोज 15 बिस्फोस्फेट प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं ठीक है प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं और फोटो रेस्पिरेशन मैंने आपको कहा सी थ्री प्लांट में ही होता है सी फोर प्लांट में नहीं होता इसलिए इसीलिए सीथ्री प्लांट को हम लेस एडवास्ड कहते हैं और जब सी थ्री प्लांट में डार्क रिएक्शन होता है तो उसमें राइबुलोज वन फाइव बिस्पॉस्पेट जो है वो एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर काम आता है प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के समय तो प्राइमरी ओटू एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है क्यों क्योंकि ओटू का लेवल हाई है क्लोरोप्लास्ट uh, में यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो ओटू का लेवल जो है वो हाई है O2 का लेवल हाई है तो रुबिसको क्या करेगा जाके O2 को पकड़ेगा रूबिस को क्या करेगा O2 के साथ बाइंड करेगा और ले जाके उसका रिएक्शन रायबोलोज वन फाइव बिस्फॉसपेट के साथ करा देगा क्योंकि रायबोलोज वन फाइव बिस्फॉसफेट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर तो क्या हो रहा है देखिए रॉयबोलोज बिस्फॉस्पेट है उसके साथ ओटो क्या करेगा फिक्स होगा इसमें कौन मदद करेगा रुबिस्को भाई साहब और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो Ribulose-1,5-bisphosphate is a five-carbon compound. We all know that. Know that. Oxygen की जब हम बात करते हैं तो there, there is no carbon in oxygen. ये भी हमें यूजली जब सीओ टू जब bind कर रहा था ribulose वन फाइव बिस्पॉसफिट के साथ सीओ टू ठीक है तो क्या मिल रहा था हमें रूबिस को लिख देता हूँ तो हमें मिल रहा था फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है इसके हमें कितने दो मॉलिक्यूल मिल रहे थे क्योंकि रैबोलोस वन फाइव बिस्फोस फाइव कार्बन सी टू से वन कार्बन टोटल छः कार्बन तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो बन रहा था छः कार्बन देखो फोस्फोग्लिसरिक एसिड तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है इसके दो मॉलिक्यूल दो थ्री कार्बन का कंपाउंड है फोसफोग्लिसरिक एसिड इसके दो मॉलिक्यूल मिल रहे थे यानी कि छः कार्बन ऐसा हो रहा था जब सी ओ टू राइबोलोस बिस्फोसफेट के साथ बाइंड हो रहा था जब ओ टू राइबोलोस बिस्फोस्फेट के साथ बाइंड करेगा ना तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा फोस्फो ग्लाइकोलेट जब रायबोलोस बिस्फोस्फेट एक राइबोलोस बिस्फोस्फेट के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा फोस्फो ग्लाइकोलेट इज अ टू कार्बन कंपाउंड अब यहां पे तो टोटल तो 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 फाइव कार्बन है फाइव में से दो माइनस कर दो बाकी तीन कार्बन के क्या बनेंगे तो बोलो एक मॉलिक्यूल बनेगा फोसफो ग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जो कि थ्री कार्बन है ठीक है तो यहां पे देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जो थ्री कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है दो कार्बन का तो टोटल पांच कार्बन बैलेंस हो गए यहाँ के जो टोटल पांच कार्बन थे ऑलराइट ये ये वाला स्टेप समझ में आया ना अब देखिए क्या होता है अब हमारा जो फोस्पोग्लाइकोलेट था उससे एक फोस्फेट बाहर निकलेगा और ग्लाइकोलेट बनेगा फोस्पोगाइकोलेट से अगर तुम एक फोस्फेट निकाल दोगे तो ग्लाइकोलेट बचेगा तुम्हारे पास और राइट अब ग्लाइकोलेट जो है ये मेन प्रोडक्ट है मेन कंपाउंड है फोटो रेस्परेशन प्रोसेस का ग्लाइकोलेट इसीलिए फोटोरेस्पिरेशन को हम ग्लाइकोलेट मेटाबोलिज्म भी कहते हैं या हम इसे सी टू साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलेट जो है वो दो कार्बन का कंपाउंड है ठीक है मेन प्रोडक्ट है मेन कंपाउंड है का दो कार्बन का कंपाउंड इसलिए हम सीटू साइकिल भी कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन को और ग्लाइकोलेट मेटाबोलिज्म के नाम से भी जानते हैं ठीक क्योंकि ग्लाइकोलेट इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्मड इन फोटोरेस्पिरेशन अभी जो ग्लाइकोलेट है ये जाएगा हंसता खेलता परोक्सीजोम के अंदर और इससे ग्लाइकोलेट्स के साथ एक ऑक्सीजन जाके और क्या करेगा बाइंड करेगा और हमें मिल जाएगा ग्लाइको ऑक्सीलेट इसके साथ अब यहाँ पे क्या बाइंड करेगा हाइड्रोजन परॉक्साइड और अमोनिया और हमें मिल जाएगा ग्लाइसिन जो कि दो कार्बन कंपाउंड है अब ये जो ग्लाइसिन है ये हंसता खेलता जाएगा माइटोपोन्ड्रियोन के अंदर अब देखिए ग्लाइसिन इज अ टू कार्बन कंपाउंड एंड वी ऑल नो दैट कि ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दो कार्बन का होता है ठीक है दो कार्बन का और इसमें से एक एन एच टू बाहर निकलेगा और एक सी टू बाहर निकलेगा ठीक है और हमें मिल जाएगा सेरीन जो कि थ्री कार्बन का प्रोडक्ट थ्री कार्बन का माइनो एसिड है तो ग्लाइसिन से हमें सेरीन बना लिया थ्री कार्बन का और इसी दौरान एन ए डी पी प्लस के साथ एक हाइड्रोजन जाके जुड़ता है और एन ए डी एच मिलता है तो अब यहाँ आपके मन में जो बहुत, बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा ना एक डाउट तो बहुत बड़ा आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ गांजा फूक के पढ़ा रहे हो क्या दो कार्बन ये चीज नहीं बोलना चाहिए था बच्चे हो यार क्या बोल दिया अब इस पर सब मेरे को गाली देंगे गलती से निकल गया मैं नहीं फूकता मैं नहीं फूकता ठीक है लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फूकते हैं गंदी आदत है नहीं फूकना चाहिए <laughs> तुम सोच रहे हो कि दो कार्बन के कंपाउंड से थ्री कार्बन का कंपाउंड बना रहे हो दिमाग सही जगह है ना सर आपका ठीक है ऊपर से ये दो कार्बन का कंपाउंड है ग्लाइसिन उसमें से सीओ निकाल दे रहे हो तो ग्लाइसिन में दो कार्बन का है ही एक, CO2 निकाल दिया। कि एक और कार्बन निकाल दिए तो बचा एक कार्बन और प्रोडक्ट बन जा रहा है तीन कार्बन का ये कौन सा मैथ से ज्यादा तो तो ऑक्सीजन का आके दो बिस्फोस्फेट के साथ बाइंड होता है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हाई है ना तो दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का ठीक है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाई है तभी तो रूबिस जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है अब देखो राइबुलोस बिस्फोस्फेट का दो मॉलिक्यूल यानी कि दस कार्बन दो मॉलिक्यूल ओटो का फिर भी यहां पे जीरो ही कार्बन है अब इससे क्या बन रहा है दो कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो यानी कि टोटल चार कार्बन यहां पे यूटिलाइज हो गया बाकी छह कार्बन तो यहां पे दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं पीजीए के जो कि थ्री कार्बन के होते हैं तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे यानी कि छह कार्बन तो सिक्स प्लस फोर टेन टेन कार्बन हमारा बैलेंस हो गया ये देखिए दो मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं पीजीए का और दो फोस्वोग्लाइकोलेट का दो फोस्वोग्लाइकोलेट में से दो मॉलिक्यूल थे दो फोस्ट निकला तो दो ग्लाइकोलेट मिले दो ग्लाइकोलेट के साथ दो ओटू जुरा ठीक है तो हमें दो ग्लाइको ऑक्सीट मिला दो ग्लाइको ऑक्सीलेट का मॉलिक्यूल इसके साथ दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जुरा एस फिर दो अमोनिया जुड़ा एन टू एन टू क्या ना एन एस टू हाँ फिर उसके बाद हमें दो ग्लाइसिन मिला ठीक है और ये जो दो मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल दो कार्बन का दो मॉलिक्यूल चार कार्बन का चार कार्बन का है अब इसमें से एक CO2 टू निकालोगे यानी कि एक कार्बन निकालोगे और एन टू एक कार्बन तो माइनस वन कार्बन कितना थ्री कार्बन बचा तो सीरीन थ्री कार्बन का हमारा अमाइनो एसिड है जिसका हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है सिर्फ जब दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक सीओ और अमोनिया निकालते हैं अमोनिया एन ना टू निकालते हैं एनए प्लस और एन है तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल एन अमोनिया होता है क्या होता है एनएस देखना तो मैं तब से अमोनिया अमोनिया गलत एन एच टू आप एनएस टू आप याद करो ठीक है एनएस टू याद करो अमोनिया अमोनिया देख लेना ठीक है तो यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल मिला सेन का थ्री कार्बन कंपाउंड तो अब तुमको ये मैथ समझ में आया ये ऐसा मैथ्स है अभी जो सेरीन है ना ये हंसता खेलता गया परोक्सीजोम के पास थ्री कार्बन का है अब इससे एक और एन एच टू निकला और हमें मिल गया हाइड्रोक्सी पायरोवेट हाइड्रोक्सी पायरोवेट अब कन्वर्ट हुआ ग्लिसरेट में जब एन ए डी एच से एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एन ए डी प्लस आया एनए एन ए डी प्लस ठीक है तो हमें मिल गया ग्लिसरेट और ग्लिसरेट फिर हंसता खेलता गया क्लोरोप्लास्ट के पास ठीक है ग्लिसरेट या आप इसे ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो दो नाम है और इस ग्लिसरेट ने या ग्लिसरिक एसिड ने यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन किया यहाँ लिखता हूं देखो ग्लिसरेट ने यहाँ से आप ग्लिसरिक एसिड बोलो इसने क्या किया एक एटीपी को यूटिलाइज किया एटीपी में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे एटीपी जब इस एटीपी को ग्लिसरेट ने यूटिलाइज किया और हमें मिल गया यानी कि इसका एक और नाम है पीजीए बोले तो फोस्फो गिक एसिड मेरा हेडराइटिंग बहुत मस्त बैठ रहा है ना <laughs> देखो तो क्या हुआ ना देखो अब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट हुआ जब एटीपी को ग्लिसरेट ने ग्लिसरिक एसिड ने यूटिलाइज किया क्या यूटिलाइज किया एटीपी एडीनोसाइन ट्राई तीन फॉस्फेट होता है और इसको ग्लिसरेट ने कन्वर्ट किया तो ए कन्वर्ट नहीं यूटिलाइज किया तो एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो गया एडीपी एडीनोसाइन डाई फॉस्फेट तीन फॉस्फेट से दो फॉस्फेट भैया एक फॉस्फेट कहाँ गया अरे वही तो जाके इस ग्लिसरेट के साथ बाइंड किया जब इस ग्लिसरेट ने ए को यूटिलाइज किया और फॉस्फेट जब जाके ग्लिसरेट के साथ बाइंड करेगा तो हमें मिलेगा फोस्फोग्लिस ऑल्सो नोन एज फोस्लिसरिक एसिड तो देखो यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल मिल गया थ्री कार्बन फोस्फोग्लिसरिक एसिड का तो मैं कह सकता हूं बताओ मैं कह सकता हूं कि जब एक पूरा फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है यहाँ फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है तो हमें क्या मिला यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिला पीजीए का यहाँ पे सबसे शुरुआत में और दो फोस्फोगलाइकोलेट का था जो कि पूरा प्रोसेस चलते 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 फिर हमें वापस उससे एक मॉलिक्यूल मिला फोस्फो ग्लिसरिक एसिड का ठीक है तो तीन मॉलिक्यूल हमें पीजीए का मिला जो कि थ्री कार्बन है और साथ ही साथ एक और चीज हमें मिला सीओ टू सीओ टू सीओ टू जो कि एक कार्बन का है राइट फोटो रेस्परेशन अब मैं इसे वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं बताओ आपको इस इस पूरे फोटो रेस्परेशन के प्रोसेस में कहीं पे ग्लूकोज बनता हुआ दिखा नहीं ये जो पीजीए है ना ये जो पीजीए यहाँ पे बना था और ये जो टू पीजे यहाँ पे बना था ठीक है ये फिर सी थ्री साइकिल में जाएगा और इससे फिर यहाँ पे रीजनरेशन होगा आर यू बी पी का और वापस से फिर ऐसी पूरा प्रोसेस जो है पूरा साइकिल जो है चलता रहेगा समझे बात को यहाँ पे आपको कहीं पे ग्लूकोज़ दिखा क्या कुछ ग्लूकोज एनीथिंग उल्टा एटीपी और यूटिलाइज़ हो गया कहाँ पे यहाँ पे? तो इसलिए हम इसे वेस्ट प्रोडक्ट कह रहे हैं अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो कि फ़ोटो रेस्परिएशन किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि फ़ोटो रेस्पिएशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है तो ये भी जान लेते हैं। मतलब आप कहोगे ना कि सर देखिए कैलविन साइकिल के समय आप बोल रहे हो कि चलो ग्लूकोज़ बनता है अच्छी बात है और यहाँ पे जब ये चलता है फ़ोटो तो इस समय ना ही ग्लूकोज़ बनता है और ना ही क्या कहते है? उल्टा और एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या है गंदा है वेस्टफुल प्रोसेस है इसको और अच्छे से समझते हैं अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं बट ये अभी देखो ये जो 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 चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछना मुझसे जिसका डाउट बहुत अच्छा होगा ऐसा होगा कि हाँ कि हाँ इसने कुछ अच्छा डाउट पूछा है इसका डाउट कोई मतलब खुदू डाउट नहीं पूछना अच्छा डाउट पूछना ठीक है पढ़ना पहले अच्छे से फिर डाउट आए तो पूछना जिसका डाउट अच्छा होगा मैं उसका डाउट क्लियर भी करूंगा और उसके डाउट को कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा ताकि और भी बच्चों के अंदर अगर वो डाउट आए तो वो जो कमेंट सबसे ऊपर पिन रहे उससे बच्चे देख लें ठीक है तो कमेंट करना अपना अच्छा वाला डाउट जिसका सब क्योंकि मेरे को पता है इससे आपको डाउट आने वाला है क्योंकि तो हम भी तो कभी स्टूडेंट थे हम भी तो कभी एलेवेंथ में थे हम भी जब ये पढ़े थे ना मेरा भी दिमाग बुखलाया था तो जो भी डाउट आएगा पूछो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो ठीक है जिसका डाउट बहुत अच्छा होने वाला है जिस मेरे को जिसका डाउट लगे कि हाँ इसके डाउट ऐसे डाउट और बच्चे को आ सकते हैं मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा और मैं उनका डाउट को उनका कमेंट में मैं रिप्लाई भी कर दूंगा डाउट को मैं सही भी कर दूंगा ओके चलो मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारा मान लीजिए क्या समझिए <laughs> दो रायबुलस बिस् फॉस्पेट है ठीक है फाइव कार्बन का यानी कि टोटल टेन कार्बन और राइट टू इंटू फाइव टेन कार्बन इसके साथ अगर मैं दो सीओ टू मोलिकूल को जोड़ू रूबिस्को की मदद से दो सीओ टू मोलिक्यूल यानी कि दो कार्बन यानी कि टोटल यहाँ पे दो कार्बन और यहाँ पे टू इंटू वन ना एक सीओ टू मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो दो सीओ टू मॉलिक्यूल में दो कार्बन तो टोटल बारह कार्बन तो आपको यहां से क्या मिलेगा पीजीए मिलेगा फोसवोग्लिसरिक एसिड मिलेगा थ्री कार्बन का कितने मॉलिक्यूल एक पीजीए मॉलिक्यूल याद कीजिए की था, था मिलता था थ्री कार्बन का, तो हमें बारह कार्बन को बैलेंस करना है तो कितने मॉलिक्यूल बनाने होंगे पीजीए के चार मॉलिक्यूल फोर इंटू थ्री हमें ट्वेल्व कार्बन का ये पूरा का पूरा हमें बैलेंस हो जाएगा तो अगर दो राइबोलोस बिस्पॉस के साथ दो सीओ टू के मॉलिक्यूल को अगर तुम जोरो जोड़ रहे हो रूबिस्को की मदद से तो हमें चार मॉलिक्यूल पीजीए के मिलेंगे ठीक अब मान लीजिए दो राइबलोस बिस्पॉस्पेट है जो कि यहाँ पे हो रहा है और उसके साथ दो ऑटो जुड़ा है दो मॉलिक्यूल का ऑटो जुड़ा है यहाँ पे, जो कि हमें फोटो रेस्पिरेशन में देखने को मिल रहा है तो क्या होगा रूबिस्को के प्रेजेंट में हमें पीजीए मिलेगा ठीक है यहाँ पे तो टोटल टेन कार्बन हो गए यहाँ पे जीरो कार्बन अब टेन कार्बन को आप बैलेंस करो तो आप पीजीए के जो कि थ्री कार्बन है इसके तीन मॉलिक्यूल बनाओगे टोटल नाइन कार्बन यहां पे यूज हो गया ये यह देखो यहाँ पे दो बन रहा था यहाँ पे एक बन रहा था राइट राइट सही एक कार्बन कहाँ है तो आप बोलोगे ये रहना सीओ के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में निकला था ग्लाइसिन से प्लस सी अब देखिए अगर सीओ जाके बाइंड करता है राइबलो वन फाइव के साथ मतलब तो पहले सी टू जाकर रूबिसको के, के साथ बाइंड करेगा रूबिस मदद करेगा सी टू को राइबलोज वन फाइव बिस्पॉस्पर के साथ बाइंड होने में तो अगर सी टू का लेवल हाई होता तो हमें चार मॉलिक्यूल मिलता पी जी ए का चार मॉलिक्यूल मिलता पी जी ए का इसको हम और आगे कैलविन साइकिल में चलाते राइट कैलविन साइकिल में चलाते और उससे क्या होता हमें कैलविन साइकिल में चलाते चार मॉलिक्यूल पी जी ए का और हमें क्या मिलता ग्लूकोज़ ज़्यादा मिलता ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलते क्योंकि चार मॉलिक्यूल के पी आप यूज़ कर रहे हो इफिशियंसी बढ़ रहा है डार्क रिएक्शन का ग्लूकोज ज्यादा मिलता कैल्विन साइकिल के दौरान लेकिन अगर तीन मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल अगर सीधा कैलविन साइकिल होता तो कितना अच्छा होता देखो लेकिन यहां पे क्या हो गया फोटो रेस्पिरेशन हुआ फिर कैलविन साइकिल हुआ कैलविन साइकिल उससे पहले ये फोटो रेस्पिरेशन हो गया जब हमने हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी तो फोटो रेस्पिरेशन हुआ फिर सीथरी साइकिल हुआ तो अब बताओ थ्री पीजीए जी से आप क्या ज्यादा ग्लूकोज बना पाओगे कम बना पाओगे ना कंपेयर टू फोर मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए थ्री मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए में आप कम बना पाओगे ग्लूकोज सी थ्री साइकिल से तो क्या होगा बताइए प्रोडक्टिविटी जो है घट गया ना प्रोडक्टिविटी लेस हो गया ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हुआ प्रोडक्टिविटी कम हो गया उल्टा और सी टू भी आपने बना दिया उल्टा और जो ए टी पी हमने सी थ्री साइकिल में यूज़ करने के लिए बनाया था यहाँ पे और ए टी पी भी यूज़ हो गया तो क्या हो रहा है प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब ओ टू जाके रूबिस्को के साथ बाइंड कर रहा है जब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है बताइए तो इस तरीके से अफेक्ट आता है जब हम कहते हैं ना कि जब फोटो रेस्परेशन होता है तो जो ईल्ड होता है ग्लूकोज जो निकलता है जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है लो हो जाता है प्रोडक्टिविटी इस कारण से जब ओ जाके बाइंड करता है रूबिस्को के साथ और फोटो रेस्परेशन होता है कितना अच्छा होता सीधा सीधी सी जाके बाइंड करता लेकिन जब हमने हाई इंटेंसिटी की लाइट मारी तो क्या से क्या हो गया ओटू के वजह से ठीक तो इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन को हम एक हम एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं ठीक है और फोटो रेस्पिरेशन ये सीओ टू के रेस्पेक्ट में और O2 के रेस्पेक्ट में तो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है और सीओ टू के रेस्पेक्ट में नॉर्मल कैलविन साइकिल कितने अच्छे से चल रहा है यहां पे देखो पीजीए जो है उसका प्रोडक्शन कम हो गया पीजीए का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा था चार मोल की आप और अच्छा खासा ग्लूकोज बनाते प्रोडक्शन आपका ऊपर रहता लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन घट गया उल्टा ये फालतू का सी बन गया उल्टा ए भी यहाँ पे यूज़ हो गया ठीक तो वेस्टफुल हो गया ना सीधा सीधा यही हो जाता तो फोटो रेस्प्रेशन कब होता है कंडीशन फेवर फोटो रेस्प्रेशन जब हाई लाइट इंटेंसिटी आती है और हाई टेम्परेचर में ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी तो इसीलिए फोटो रेस्प्रेशन को हम एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं तो हमने कहा क्या फोटो रेस्परेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस ठीक है ये सीथरी प्लांट में हो रहा है प्लांट में नहीं हो रहा है कब जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है सीथरी प्लांट पे आप हाई इंटेंसिटी की लाइट गिराओ सीफर प्लांट पे आप हाई इंटेंसिटी की लाइट गिराओ कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा सीथरी प्लांट ठीक सीथरी प्लांट करेगा अब देखो रूबिस्को तो दोनों में प्रेजेंट है रूबिस्को इज प्रेजेंट इन बोथ रूबिस्को के साथ जब हाई लाइट इंटेंसिटी गिरती है और ओटू बाइंड करता है तो फोटो रेस्परेशन का प्रोसेस शुरू होता है आप सोच रहे हो कि आपके दिमाग में ये डाउट तो आया होगा कि सर रुबिस्को तो दोनों में ही प्रेजेंट है सी थ्री में भी सी फोर में भी और रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्परेशन सबसे पहले में मैंने कहा था तो ऐसा क्यों है कि सी थ्री प्लांट में ही ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये होता है जबकि सी फोर प्लांट में भी रूबिस्को प्रेजेंट है तो हाई इंटेंसिटी की लाइट पे हाई लाइट इंटेंसिटी पे C4 के अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए था बट ये नहीं हो रहा है और हम इसे कह रहे हैं कि एडवांस्ड है ये लेस एडवांस्ड है ज़्यादा एडवांस्ड है ऐसा क्यों सर ये चीज़ हमें बताइए थोड़ा क्योंकि रुबिस्को तो दोनों में प्रेजेंट है दोनों में हाई इंटेंसिटी के लाइट पे फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए था क्योंकि रुबिस्को इज एन एन्जाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन आया होगा ना ये डाउट तो भैया कुछ चीज़ों को हम अगले लेक्चर के लिए भी छोड़ रहे हैं तभी तो मैंने कहा पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइडेड है ये लेक्चर तो पार्ट टू में हम इस चीज़ को जानेंगे इस लेक्चर के पार्ट टू में मतलब इस टॉपिक के पार्ट टू में जब फोटो रेस्पिरेशन पार्ट टू में पढ़ाऊंगा तब हम जानेंगे कि रूविस को दोनों में प्रेजेंट है लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी में सी थ्री प्लांट में फोटो रेस्परेशन होता है जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है सी फोर प्लांट में नहीं होता तो इस चीज़ को हम जानेंगे अगले लेक्चर में और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर वो गांजा वाला रिमार्क्स अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई होगी मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं आप लोग स्टूडेंट हो और ये गांजा वांझा मे मुंह से फ्लो फ्लो में निकल गया मैं बोलना नहीं चाहता था ठीक है आजकल सोशल मीडिया पे इतना नीम वीम चलता रहता है यही सब तो आई एम सॉरी अगर किसी को खराब लगाओ ठीक है तो सॉरी फॉर दैट रिमार्क आई नो आई शुड आई दैट तो यही था सॉरी फॉर दैट मिलते मिलते अगले लेक्चर में आपसे अगले लेक्चर में हम फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट टू पढ़ेंगे ठीक है चलो बाय टेक केयर